बेटा जरा जल्दी करो, स्कूल बस आने का टाइम हो गया है। अरे भैया जरा बिल जरा जल्दी बनाना, मुझे और भी जगह जाना है। खाना जरा जल्दी खा लो, अभी बहुत काम पड़े हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ मोनिका नागपाल, आपकी अपनी डॉक्टर ऑफ होप एंड हैप्पीनेस और एपिसोड 6 ऑफ माइंडफुलनेस। टुडे आज हम ये बात करेंगे कि इस रफ्तार भरी ज़िंदगी को हम थोड़ा धीरे कैसे करें। तो इससे पहले कि मैं आपको ये तरीके बताऊं कि इस रफ्तार भरी ज़िंदगी को हम धीरे या इसको हम थोड़ा ठहराव कैसे ला सकते हैं, आपसे ये रिक्वेस्ट है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और लाइक करें, क्योंकि शायद उनको भी धीरे होने की ज़रूरत है। तो हमारा दिन शुरू होता है जल्दी उठना, जल्दी से नहाना, जल्दी से खाना, जल्दी से स्कूल या ऑफिस जाना, और इसी जल्दी के चक्कर में हम अपनी सेहत और अपनी ज़िंदगी दोनों को जल्दी ही ख़त्म कर रहे हैं। पहले आप किसी से पूछते थे क्या हाल है, तो जवाब मिलता था ठीक है, कट रही है, चल रहा है। और आज अगर आप किसी से पूछते हैं क्या हाल है, आई एम बिज़ी, बात ख़त्म, आगे टॉपिक होना ही नहीं है, सब बिज़ी है। तो ये समय कहाँ गया? हमें इस समय की इतनी कमी क्यों पड़ रही है कि हमारे पास किसी के पास टाइम ही नहीं है, इसलिए हम हर काम जल्दी 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 कर रहे हैं। तो इससे पहले कि हम कुछ नुस्खे समझें, कुछ तरीके समझें कि कैसे वी हैव टू स्लो डाउन, पहले हम ये समझ लेते हैं कि इस तेज़ ज़िंदगी की वजह से हमारी सेहत पे क्या असर पड़ रहा है। कि अब ये समझने के बाद, ये सुनने के बाद आशा है कि आप लोग समझ जाएंगे कि थोड़ा धीरे होना, वी नीड टू स्लो डाउन। अगर आपके पीछे शेर पड़ा है तो आप क्या करेंगे? आप भागेंगे ना, और जब आप भागेंगे तो आपकी दिल की धड़कनें तेज़ हो जाती हैं, आपको स्ट्रेस जैसे लगता है। तो यही रोज़ हो रहा है, रोज़ आप ऐसे भाग रहे हैं जैसे आपके पीछे कोई शेर है। एवरी डे यू आर रनिंग, उसकी वजह से आपके जो स्ट्रेस है वो बढ़ता चला जा रहा है, और ऑन ए कंटिन्यूस बेसिस हर रोज़ जब ये स्ट्रेस बढ़ता है, जब ये स्ट्रेस हार्मोन हमारा ब्रेन रिलीज़ करता है, उसकी वजह से हमारा बीपी बढ़ सकता है, हमारे को दूसरी तरह की और बीमारियां आ सकती हैं। तो जब हम जल्दी जल्दी करते हैं तो यही स्ट्रेस का सिग्नल बार बार हमारे ब्रेन में जाता है और ये हार्मोन प्रोड्यूस होता है। दूसरी चीज़, हमारे दिमाग को हर समय एक रेड अलर्ट पर रखता है, ये जल्दी करना, अभी ये करना है, अभी ये करना है, और हम हर चीज़ पे ओवर रिएक्ट करते हैं, वी स्टार्ट टू गेट इरिटेटेड। तो समझिए कि चिंता, वरी, चिंता और चिड़चिड़ाहट, इरिटेशन इज द रिजल्ट ऑफ बीइंग फास्ट, जल्दी जल्दी जल्दी। और क्या होता है इसके अलावा? और ये होता है कि जब आप जल्दी में होते हैं तो आप जो डिसीजन लेते हैं वो भी जल्दी में लेते हैं, क्योंकि आपके पास टाइम ही नहीं है कि थोड़ा ठहर जाएं और फिर कुछ डिसीजन लें। तो ज़्यादातर ये डिसीजंस रॉन्ग भी हो सकते हैं और फिर आपका बना बनाया काम बिगड़ जाता है। तो माना कि लाइफ बहुत फास्ट हो गई, इट हैज़ बिकम वेरी फास्ट पेस लाइफ, पर कुछ तरीके समझेंगे कि हम इस रफ्तार को स्लो कैसे करें। सबसे पहले एक चीज़ है जो आप रोज़ करते हैं, खाना खाना। तो ज़रा खाने पे ध्यान दें और आसपास ना देखें, अपना मोबाइल, अपना टीवी, अपने स्क्रीन्स बंद रखें, खाना धीरे धीरे खाएं। जब आप खाना धीरे धीरे खाते हैं तो आपका सिस्टम उसको अच्छे से डाइजेस्ट कर लेता है, और इसी तरह आपको आदत पड़ जाती है हर चीज़ धीरे करने की। तो शुरुआत यहाँ से कर सकते हैं। उसके बाद अगर आप जल्दी, आजकल हर तरह, जैसे हम कोई बात बोल रहा है, हम उसकी बात पूरी सुनने से पहले ही अपना कंक्लूजन,
हाँ मैं समझ गया, क्योंकि हमारे पास वक्त ही नहीं है किसी की पूरी बात सुनने का, तो बात पूरी सुने उसके बाद अपनी बात कहें। डोंट जंप टू कंक्लूजन्स, राइट। और एक चीज़ और है जो हम रोज़ करते हैं, क्या पता गाड़ी स्कूटर कुछ तो चला रहे हैं हम रोज़, स्पेशली जो लोग ऑफिस जा रहे हैं, गाड़ी ज़रा धीरे चलाएं, कॉन्शियसली, थोड़ा घर से जल्दी निकले और थोड़ा धीरे चलाएं। जल्दी निकले मतलब टाइम से थोड़ा सा पहले अगर हम निकलेंगे तो जल्दी बोल रहे हैं उसको, फास्ट नहीं। तो अगर आप थोड़ा पहले निकलेंगे आपके पास वक्त रहेगा, आप गाड़ी के कितने भी कट इधर उधर मार लें लेकिन 5 मिनट का ही फ़र्क पड़ता है। बट दैट 5 मिनट्स इज़ नॉट वर्थ द स्ट्रेस इट इज़ गिविंग यू, राइट। और फिर ऑफिस में अगर आप पहुंच ही गए हैं तो ऑफिस में ना किसी को जल्दी काम करने के लिए प्रेशर में डालें और ना ही ये प्रेशर खुद लें। पहले से प्लानिंग कर लें, अगर हम पहले से प्लान कर लेते हैं तो हम ये प्रेशर किसी का नहीं लेना चाहिए हमारे को, ना किसी को देना चाहिए। और सबसे सिंपल और सबसे ज़रूरी, ब्रीथ, लंबी गहरी सांस, दिन में जितनी बार ले सकते हैं लिए, लॉन्ग डीप ब्रेथ्स। इसकी वजह से वी आर एबल टू बी इन द प्रेजेंट मोमेंट, और वही सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, ये पल। तो दोस्तों ये ज़िंदगी आपकी है तो इसकी लगाम भी आपके हाथ में होने चाहिए, और ज़रूरी है कि आप हर पल इंजॉय करें। तो यही मेरा संदेश है कि आप खुश रहें और अपने अंदर एक उम्मीद बनाए रखें। नमस्ते।